हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा तिवारी और स्वागत है आपका द बिंज लिसनर्स में। और आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षक, विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कुशल रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं। यहां हम प्रस्तुत करेंगे चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय को। चाणक्य नीति तीसरा अध्याय, नंबर 1। इस संसार में ऐसा कोई कुल नहीं जिसमें दोष न हो। वह कौन है जिसे रोग और दुख ने नहीं सताया? कौन सा मनुष्य है जिसमें अवगुण न हो? सदैव सुखी कौन रहता है? प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही हैं। नंबर 2। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से पता चलता है कि वह कहां का रहने वाला है, विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का पता चलता है। नंबर 3। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को विपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। नंबर 4। दुर्जन व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो सांप का वरण करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक ही बार काटेगा परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर हर समय हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। नंबर 5। राजा कुलीन लोगों को ही अपने पास रखते हैं, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे कुल वाले लोग राजा की उन्नति के समय, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। नंबर 6। प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर डालते हैं, परंतु साधु सज्जन लोग प्रलय काल के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति आने पर भी अपनी मर्यादा को नष्ट नहीं होने देते। नंबर 7। मूर्ख व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाले पशु के समान है, जो अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से भेदता है, जैसे अदृश्य कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। नंबर 8। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता। नंबर 9। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्री की शोभा उसका पतिव्रत धर्म है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उसके ज्ञान में है और तपस्वियों की शोभा क्षमाशीलता में है। नंबर 10। किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती हो, सुख शांति मिलती हो, तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को ही छोड़ देना चाहिए। नंबर 11। जो उद्यमशील हैं, व्यापार करते हैं, वे निर्धन नहीं हो सकते। जो प्रभु नाम का जप करते हैं, उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन अर्थात सहनशील रहते हैं, वो लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते और जो सदैव सजग रहते हैं, वो निर्भय होते हैं। नंबर 12। अत्यंत रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा, अतः सभी कार्यों में अति ठीक नहीं है।
अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए अति को सदैव त्याग देना चाहिए। नंबर 13, शक्तिशाली लोगों के लिए कोई कार्य कठिन नहीं, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं और मधुभाषियों के लिए कोई पराया नहीं। नंबर 14, जिस प्रकार एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक गुणवान सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। नंबर 15, जिस प्रकार केवल एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से संपूर्ण वन जल जाता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। नंबर 16, एक ही पुत्र यदि विद्वान एवं सदाचारी हो तो उससे संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। नंबर 17, ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें, इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को आश्रय और शांति प्रदान करता हो। नंबर 18, पुत्र से 5 वर्ष की आयु तक लाड़ प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर उससे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। नंबर 19, देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु द्वारा आक्रमण के समय, भयानक अकाल पड़ने पर, दुष्ट का साथ होने पर, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वही सुरक्षित और जीवित रहता है। नंबर 20, जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है, इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। नंबर 21, जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहां अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहां पति पत्नी में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता, वहां धन की देवी लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो ये था चाणक्य नीति का 3रा अध्याय, चाणक्य नीति के 3रे अध्याय की सीख। आचार्य ने इस 3रे अध्याय में विशेष रूप से मनुष्य के आचार व्यवहार के संबंध में बहुत कुछ बातें कही हैं। उनका मानना है कि किसी का सम्मान उसके गुणों के कारण होता है, न कि रूप और यौवन के कारण। इस दुनिया में दोष मुक्त कोई नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छे कुल में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दोष मिल ही जाता है। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख का संबंध तो दिन रात की तरह होता है और कभी कभी महान व्यक्ति को भी अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा संसार का नियम है। शिक्षा ही जीने की कला सिखाती है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा और बुद्धिमता पर सब कार्यों की अपेक्षा अधिक जोर दिया है। मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है, सर्वोपरि है, और यदि मनुष्य चाहे तो अपने कल्याण के लिए प्रत्येक वस्तु का भी बलिदान कर सकता है। व्यक्ति को अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उद्यम और पाप से बचने के लिए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। उसे सदैव सतर्क रहना और किसी भी तरह की अति से बचना चाहिए। उनके अनुसार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति समूचे संसार को अपना बना सकता है। इस अध्याय के अंत में उन्होंने मूर्खों से बचने का और झगड़े फसाद से दूर रहने का परामर्श दिया है। कुछ जरूरी नोट। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य द्वारा स्त्री विशेष, जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए कहे गए कुछ सूत्र वर्तमान समय के संदर्भ में इतने सही प्रतीत नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये नीतियां आचार्य चाणक्य के समय में हुई घटनाओं
और उनके पूर्वानुभवों पर आधारित है। हमने उनके विचारों को ठीक वैसे ही प्रकाशित किया है जैसा आचार्य चाणक्य ने लिखा था। ऐसे ही मजेदार और अच्छे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल द बिंज लिसनर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी विषय के बारे में जानना और सुनना पसंद करते हैं या आप भी कुछ अच्छा लिखते हैं और चाहते हैं कि हम उसे हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत करें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।